हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं वोकैबुलरी। इस वीडियो में हम पार्ट 5 को स्टडी करेंगे। पार्ट 4 तक हम हो चुके हैं। इस वीडियो में हम हर वीडियो की तरह 15 वोकैब्स लेते हैं जो हम लेंगे। इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि आप इसमें जानेंगे कि स्पूनरिज्म किसे कहते हैं एंड एनाग्राम हम किसे कहते हैं, और आप जानेंगे कि इस पिक्चर को हम क्या कहेंगे एंड इस पिक्चर को भी हम क्या कहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं हूं तो सारगर्ग एंड आप देख रहे हैं अपना चैनल वी आर रॉक। वोकैब नंबर 61, स्पूनरिज्म। जो मैंने अभी बोला था, क्या होता है स्पूनरिज्म? एन एरर बिहेयर द स्पीकर इंटरचेंज द लेटर ऑफ टू वर्ड्स। ऐसी एरर जिसमें स्पीकर मतलब बोलने वाला किसी भी दो वर्ड के लेटर को इंटरचेंज कर देता है, उसी को हम स्पूनरिज्म कहते हैं। अब मैं अच्छे से समझाता हूं, देखिए इसमें लिखा हुआ है फ्री दिस टिगर स्कॉल्ड, जबकि सर करेक्ट क्या है, ट्रीट दिस फिगर कॉल्ड, है ना। तो इसके अंदर जो एफ है वो इस टी से इंटरचेंज कर दिया एंड इसमें जो सी है वो इस एस से इंटरचेंज कर दिया, इसी को हम स्पूनरिज्म कहते हैं। आप समझ गए कि जब भी कोई स्पीकर लेटर सॉरी वर्ड के दो लेटर को इंटरचेंज कर देता है, उसी को हम स्पूनरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वोकैब एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है? ए वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ एन अदर वर्ड्स। ऐसा कोई वर्ड जिसके अंदर जितने भी लेटर का यूज किया गया है वो दूसरे वर्ड में भी है। देखिए फ्राइड और फायर्ड, इसमें जितने भी अल्फाबेट लिखे हुए हैं सारे के सारे अल्फाबेट फायर्ड में लिखे हुए हैं। एस लाइक गेनली, एस लाइक सेडर एंड ट्रीज, एस लाइक लिसन एंड साइलेंट, ये सब एनाग्राम है, इसको हम एनाग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैब इज एटोल। एटोल क्या होता है जानिए? ए रिंग शेप आइसलैंड ऑफ कोरल। कोई भी आइसलैंड जो रिंग शेप में दिखता है उसी को हम एटोल बोलते हैं। अब देखते हैं हम पिक्चर के थ्रू। देखिए ये जो आइसलैंड है उसका जो शेप है वो रिंग के रूप में है, इसलिए हम इसको एटोल बोलते हैं। सेम इसको भी हम एटोल बोलेंगे। नेक्स्ट वोकैब इज आर्किपेलागो। क्या होता है? इसका मतलब है ए वाइड ग्रुप ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड के ग्रुपों का समूह होता है उसी को हम आर्किपेलागो बोलते हैं। देखिए इसमें एक आइसलैंड येरा ये सब आइसलैंड है, छोटे छोटे और बड़े भी, जितने भी ज्यादा बड़े नहीं है, इन सबको हम आर्किपेलागो बोलते हैं। इसमें भी जैसे ये इन सबको मिलाकर हम आर्किपेलागो बोल देंगे। नेक्स्ट वोकैब इज आइसलेट। आइसलेट क्या होता है? आइसलेट होता है ए स्मॉल आइसलैंड, एक छोटा सा आइसलैंड, उसी को हम आइसलेट बोलते हैं। जस्ट लाइक ये एक छोटा सा आइसलैंड है, इसी को हम बोलते हैं ए स्मॉल आइसलैंड इज कॉल्ड आइसलेट। नेक्स्ट वोकैब इज स्प्रिंग। काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? मोच आना, टू कॉज एन इंजरी टू ए जॉइंट बाय ए सडन मूवमेंट। अचानक मूवमेंट करने से किसी भी जॉइंट में जो इंजरी होती है उसी को हम स्प्रेन बोलते हैं। इस वीडियो में देखिए स्प्रेन और फ्रैक्चर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों बोन से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में इसमें क्या होता है कि स्प्रेन के अंदर हड्डी केवल मुड़ती है, टूटती नहीं है, और फ्रैक्चर के अंदर मूवमेंट के कारण हड्डी टूट जाती है। अगर हड्डी टूट गई तो हम उसको फ्रैक्चर बोल देते हैं, और हड्डी का केवल मुड़ना होता है तो उसी को हम स्प्रेन बोलते हैं। स्प्रेन बोलते हैं, इसका मतलब होता है मोचाना। ये देखिए कि यहाँ पर फ्रैक्चर मोस्टली यहाँ पर एंड यहाँ पर होता है, तो बोन टूटने के कारण होगा, और यहाँ पर होगा तो उसको स्प्रिंग कहते हैं। नेक्स्ट वोकैब इज स्पैसम। क्या होता है स्पैसम? देखिए एन ओकेशन व्हेन ए मसल सडनली बिकम टाइटर इन ए वे दैट कैन नॉट बी कंट्रोल। किसी टाइम जब मसल्स अचानक से बहुत टाइट हो जाती है जिसका दर्द हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी को हम स्पैसम बोलते हैं। नहीं आया समझ में तो पिक्चर के थ्रू क्लियरली आप समझ जाओगे। देखिए इसमें जो लेग्स है इसके अंदर ये जो फ्यूमर बोन है उसमें जो मसल्स है वो एकदम टाइट हो गई,
जिसके कारण हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा, इसमें भी जो मसल्स है वो टाइट हो गई है, जिससे हमको दर्द हो रहा है और हम इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसी को हम स्पैसम बोलते हैं। समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट वोकैब इज रिपेट्रिएट। इसका मतलब क्या है? ये अभी जो लॉकडाउन लगा या फिर बोल दीजिए कोविड-19 हुआ, उसके टाइम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हुआ था। देखिए, टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, किसी को अपने देश वापस भेज देना, उसी को हम रिपेट्रिएट बोलते हैं। ये देखिए, यूएसए टू इंडिया रिपेट्रिएशन मिशन इन द एज ऑफ कोविड-19, जो आपको पता है कि एक देश से जाने के लिए अपने देश में आने के लिए जो रिपेट्रिएशन किया गया था, उसी को बोलते हैं हम रिपेट्रिएशन। नेक्स्ट वोकैब इज एक्रोफोबिया। क्या होता है एक्रोफोबिया? फियर ऑफ हाइट एंड फॉलिंग डाउन। किसी व्यक्ति का हाइट से डरना या फिर किसी भी ऊंची चीज से नीचे गिरना, उसी चीज के डरने को हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। ये देखिए, ये व्यक्ति यहां पर है, छत से नीचे देखने में ही डर रहा है, क्योंकि इसको डर लग रहा है कि मैं नहीं गिर ना जाऊं, या फिर ये हाइट से डर रहा है, जस्ट लाइक एट, क्योंकि इसे गिरने के चांस कम है लेकिन उसको हाइट लग रही है क्योंकि वो नीचे देख रहा है, इसी को हम एक्रोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैब इज एरोफोबिया। अब एरोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ एयर, हवा में उड़ने का डर, जस्ट लाइक एरोप्लेन, फियर ऑफ फ्लाइंग। ये डर मोस्टली एरोप्लेन में बैठते टाइम होता है, जैसे इसको हो रहा है, इसको क्या है? एरोफोबिया है, कि जब भी ये एरोप्लेन में बैठेगा या हेलीकॉप्टर में बैठेगा तो इसको ये फियर हो जाएगा और ये नीचे उतरना चाहेगा। नेक्स्ट वोकैब इज सस्पेंशन। क्या होता है ये सस्पेंशन? काफी इंटरेस्टिंग है। ए डीप कुकिंग पैन टिपिकली राउंड मेड ऑफ मेटल एंड विथ लॉन्ग वन लॉन्ग हैंडल एंड ए लिड। ऐसा कुकिंग पैन जो राउंड शेप में हो, मेटल से बना हो, जिसके अंदर एक हैंडल लगा हो और लिड मतलब उसका ढक्कन भी हो, उसी को बोलते हैं सॉस पैन। देखिए, ये है अपना सॉस पैन। नेक्स्ट वोकैब इज कैसे रोल। क्या होता है कैसे रोल? ए लार्ज डीप पॉट यूज बोथ इन ओवन एंड एस ए सर्विंग वोसर। ऐसा कोई बड़ा सा पॉट जो ओवन में यूज किया जाता है और ऐसे सर्विंग वेसल भी यूज कर सकते हैं, उसी को हम कैसे रोल बोलते हैं। अब हम देखेंगे पिक्चर, ये है, इस चीज को हम कैसे रोल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो रोटी रखने का भी होता है वो भी एक कैसे रोल कहलाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वोकैब इज डिप्लोमेट। क्या होता है डिप्लोमेट? डिप्लोमेट का होता है प्रतिनिधि। एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग ए कंट्री अवार्ड। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम डिप्लोमेट बोलते हैं। अब इसको हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये पर्सन है या फिर ये पर्सन है जो इसके देश आया, मान लिए हमने ये आया है इसके देश, तो हम इसको डिप्लोमेट बोलेंगे इस कंट्री का। एंड नेक्स्ट वोकैब इज मार्सुपियल। क्या होता है मार्सुपियल? देखिए, एन एनिमल कैरिंग यंग बेबीज इन ए पोच ऑन द वेरी। ऐसा एनिमल जो अपने बेबीज को अपने पोच में रखता है बेली के अंदर। नहीं आया समझ में तो आप इजीली समझ जाएंगे, तो मैं पिक्चर दिखाऊंगा। देखिए, इसी को हम मार्सुपियल बोलते हैं, ये बेली के अंदर रखा हुआ है पोच में। ये देखिए, ये मार्सुपियल होता है। अब आप इजीली समझ गए होंगे। नेक्स्ट वोकैब इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ये इस वीडियो का लास्ट वोकैब है। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आए, उसी को हम इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोलते हैं। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ना ही मेरे को समझ में आ रहा है, ना ही इसको समझ में आ रहा है, तो इसी को हम इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आए वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, जस्ट लाइक दैट। इस वीडियो के 15 वोकैब्स कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड के साथ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।